अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ स्पेशल बिरयानी रेसिपी जिसका नाम है स्पाइसी कोयला दम बिरयानी। इसके इंग्रेडिएंट आप नोट कर लें, चिकन 3 पाव, चावल 1 किलो, प्याज 1.5 पाव, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, सूखा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, टमाटर 1/2 किलो, पिसा हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टेबलस्पून, नमक सॉल्ट टू टेस्ट, अदरक लहसुन पेस्ट 2 टेबलस्पून, ऑयल 1 कप, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, चिली सॉस 2 टेबलस्पून, सिरका 2 टेबलस्पून, दही 1/2 किलो, काली मिर्च 1 टीस्पून। सबसे पहले चावल उबालने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए वो देख लें। लौंग 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, बादियान के फूल 2 से 3 अदद, नमक 1 टेबलस्पून, तेज़पात 2 से 3, पुदीना 1/2 गड्डी। एक पेस्ट बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे प्याज, टमाटर और पानी डाल के इसे उबलने के लिए रखते हैं। अच्छा जी, ये देखें, इस वक्त हम तैयार कर रहे हैं चावलों का मसाला, जिसके लिए सबसे पहले हमने लिया है 1 कप ऑयल, उसे थोड़ा सा कड़कड़ाया है। उसके बाद हमने इसमें डाला है 1/2 प्याज दरमियाने साइज का, और सॉफ्ट हमने इसमें डाल दिया अदरक। अच्छा, अब आप ये देखें कि प्याज का कलर आप देख लें किस तरह का हो चुका है, और अब हम इसमें अपनी ग्रेवी डाल रहे हैं। यह आपको चम्मच चलाना ज़रूरी है। अब साथ ही साथ हम इसके अंदर बाकी मसाले ऐड करेंगे, जिसमें कुटी लाल मिर्च, नमक, सुर्ख लाल मिर्चें, पिसा हुआ ज़ीरा, हल्दी। अब ये देखें, इसकी शक्ल देख लें आप। किस तरह से इसकी लुक है ये सारा आप देख लें, कैसे चिकन ने फौरी तौर पे मसाले में एडजस्टमेंट शुरू कर दी है। जी अभी ये देखें, हमारा मसाला जो है वो भुनाई पे आ चुका है, चिकन भी हमारा गल गया। अब हम इसके अंदर अपने चाइनी मसाले डालेंगे। ये चंद ड्रॉप हमने डाले हैं चिली सॉस के। अब हम डालेंगे सिरका, ये हमने डालना है 1 टेबलस्पून। साथ ही साथ अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, ये भी है 1 टेबलस्पून। और सबसे एंड में अब हमने जो डालना है वो है दही, जो कि था 1/2 किलो। ये हमने पहले से फेंट के रखा था। फाइनल लुक हमारी, फूड कलर हम लोग इस तरह से ऐड कर रहे हैं। गार्निशिंग का सामान हम लोग डाल चुके हैं, और साथ ही साथ एंड में हम लोग 1 लेमन निचोड़ेंगे। ये देखें, हमने इस पे रख दिया है। अब हम इसका ढक्कन कवर करेंगे और अपना दम का टाइम पूरा करेंगे। ये देखिए जी, ये है हमारी तैयार बिरयानी की फाइनल लुक।